सत श्री अकाल दोस्तों, दास गुरप्रीत सिंह चंदबाजा, मुख सेवादार भाई घरैया कैंसर उपो सेवा सोसायटी फरीदकोट, कन्वीनर नरोआ पंजाब मंच। दोस्तों पिछले समय दौरान भी थोड़ा कई वीडियो दिखा गया सी कि बिड्डा के उपर झोने बिजाई करनी। डॉक्टर दलेर सिंह जी वटा से झोना जो प्रीरी पट के लवाते बड़ा सफल तकनीक से, उस तकनीक आप मशीनरीकरण करता, बैड 20 इंच का बना के आह इस उपर 3 ओरे करते आ। एक गेड़े दे विच मशीन 3 बैड बनाउंदी आ ते 9 ओरे बनते आ। 4.5 किलो बीज पाया जिहड़े पहले खेत बीजे आपां, ते उत्थे बहुत ही शानदार झोना उगिया। पहले 28 ते 11 झोने की बिजाई की, अज 26 की बिजाई कर रहे हैं। अज बिजाई का काम सारे कर रहे हैं। मैं अपने पूरे का पूरा खेत आ जिहड़ा इस मशीन नाल बीज के, इस ते खाद की घट वरतों होगी, पानी अपना 35-40% बचेगा, ते नाल पेस्टीसाइड की बहुत घट वरतों होगी। आओ आप नवीं तकनीकों अपनाइए, पंजाब दे धरती हवा दे पानी नूं बचाउण लई अपना अपना बनदा योगदान पाइए। धन्नवाद। अज चंदबाजा गुरप्रीत सिंह दे खेत विच फार्म दे खड़े आ। जिवें सियाने कहा भी लोड़ काढ़ दी मां, इन्हां ने एक मशीन बनाई है जिहड़ी बैड प्लांटर है, वह आप ही तैयार की है, आपके दिमाग ने तैयार की है, तो जिद मतलब साइडा दे दो खालियां ते एक 20 इंच का करीब जो बैड बनता है, तो उसके 3 जिहड़े इन्होंने फाले लाए हैं, उन्होंने तिना के जी बिजाई होंगी है। किसान साथियों गल यो हैगी है भी जिमें जिमें साढ़े कुदरती सोमिया का असी विनाश कर रहे हैं, तो उवें साढ़े लोग भी हम चेतन होंगे जा रहे हैं भी असी पानी की कुदरती सोमिया की किमें असी बचत करनी है। तो वह तरीका जोड़ा गुरप्रीत सिंह ने लभ लिया, सारे का संजोग है। तो ये अज असी जो ट्रायल प्लाट असी बिजाया है, वो पानी की जी मात्रा जी असी खालिया के पानी है, तो जो बैड है बैड के उपर 3 लाइन जी झोने जर्मीनेशन हो गई, तो ये दे नाल साडा पानी की बड़ी बचत है, समय की बड़ी बचत है। कितने असी ट्रांसपोर्ट करने वास्ते पहले प्रीरी बीजते सके, फिर असी लेबर तो लवाते सके, तो अज जो असी समुचे पंजाब वेने हैं, तो पूरी किसानों ने अपन मशीन जी उन्होंने घर च खड़िया सी, उन्होंने थोड़ी थोड़ी टकनीक बदल के तो उन्होंने सीधी बिजाई वास्ते लाई है। तो तकरीबन पंजाब दे विच कोई 20-25% के करीब जो रकबा हुण तक वो झोने की बिजाई हो चुकी है। जी बासमती की जी बिजाई है 15 जून तो बाद भी शुरू होनी है, तो असी उम्मीद करते भी जी झोने की बासमती तो बाद जी बासमती की बिजाई होनी है, वो ये थले रकबा काफ़ी ज़्यादा आजूगा, क्योंकि जिमीदारा का जो तजर्बा है वह झोने के हो गया भी बीज कि पाना है, यदा सीड रेट कि रखना है, यदि डिस्टेंस किन्नी रखनी है, तो यदा सोयल की किन्नी क मॉइस्चर होनी है, वह सारा जो अनुभव है वह जमीन के जी झोने की बिजाई हुई वो सारा जिमीदार ने अनुभव ले रहा है। जी बासमती जी हम बिजाई करनी है, मैं लगता भी तकरीबन 90-100% के करीब जी झोने की बिडा दे DSR राही जां छिट्टे दे नाल जां जिहड़ी अवतार सिंह फगवाड़ा की टकनीक है, ये सारिया टकनीक जिहड़ियां पंजाब दे जिमीदार जिहड़े अपना रहे हैं। इस साल के जो असीं झोने की कटाई करांगे जां बासमती कटाई करांगे उदो सानूं इन्हां चीज़ां सारिया टकनीकां का पता लगेगा, इहदे विच सफर किहड़ी है, किहड़ी चीज़ ते साडा घट खर्चा होया, वध आमदन हुई है, ये क्योंकि सानूं नदीनां दी जिहड़ी समस्या होनी सी उहदा भी सानूं पता लगेगा भी किहड़ी नदीन नाशक जिहड़ी दवाई है सही कंट्रोल करदी है, क्योंकि इसकी बिड्डा दे लोगों ने बिजाई भी की है, सिद्धि भी की है, वो दवाई का इस्तेमाल भी किसानों ने अपने लैवल के नाल किया, ये टैंपरेचर का भी बहुत इफेक्ट पेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जो असं झोने की बिजाई की है जून महीने के टैंपरेचर 45-46 तक पहुँच गया सी, कई बार अस जो असं स्परे करते स्टॉप दवाई की जमीन की जी सैल चाहिए है उन्नी उन्न सैल ना मिलने करके हो सकता सूँ नदीन की भी समस्या आए, उस तो बाद फिर जी नॉमनी गोल्डी सू स्परे करवानी पेगी। इसलिए ये टेक्नीक जी है बहुत वधिया, असं किसान भीर अपील करते हैं कि यही टेक्नीक आप अपनाइए जिते साडा खर्चा घट हो, खर्चा घट करके असं आमदन किवें वध लै सकते हैं। क्वालिटी की असी इस टेक्नीक दे विच साडी खाद है जी उम्मीद है भी वह भी सानू लोड़ अनुसार ही पानी पेगी, क्योंकि जिनी असी खाद का हम पहले छिट्टा दिता है वह जी वट्टा खा बिड्डा के जी सारी खाद है जी आ गई है, तो जिमें जिमें फसल साड़ी उपर चलूगी वह बिचों खुराक आप लेंदी जाऊगी, साड़ी खाद की जी कंजप्शन है वह भी घट होएगी, लीच भी घट होएगी, तो उपर भी घट उड़ेगी।